अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम फ़िश बिरयानी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए चाहिए 1 किलो ज़ीरा राइस, बारीक वाले एकदम ज़ीरा राइस। हम इसको सबसे पहले इसको हम भिगाकर धोकर अच्छी तरह धोकर साफ़ करके पानी में भिगोकर रखेंगे। ये हमने फ़िश लिया है, बासा फ़िश। ये इसमें काटे बिल्कुल नहीं रहते, एक भी काटा नहीं रहता इसमें। हम इसको मैंने रात में अदरक लहसुन नींबू लाल मिर्च पाउडर ऐसा सब मसाला लगाकर फ्रीज़र में रात में रख दिया था। अब इसको हम कॉर्नफ्लोर से कोटिंग करके इसको हम पैन में फ्राई करेंगे। आधा केजी प्याज लिया है मैंने। ये गरम मसाला, शाहजीरा, जीरा और ये फूल, दालचीनी और तेज़पत्ता, दही 1 पाव, टमाटर 2 बड़े साइज़ के टमाटर, बिरयानी मसाला 4 बड़े चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट फ्रेश, हरा धनिया और ये हमारा मसाला। इसमें सब मसाले। आइए हम सबसे पहले फिश को फ्राई करते। आइए अब हम बनाना करते हैं शुरू। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते। मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया। अब उसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। अब इन सबको हम अच्छी तरह ऐसे मिक्स करके फिश को इसमें डालकर हम तेल में फ्राई करेंगे। इसमें हम तेल डालते हैं। फिश को इसमें अच्छी तरह कोट कर ले। इसको अच्छी तरह कोट करके फिर हम फ्राई करते ताकि हमारी फिश बिरयानी में टूटे नहीं। हमारी फिश 5 से 5-7 मिनट हो गए, हमारी फ़िश लाल हो गई है। अब उसको हम अच्छी तरह कड़क होने तक धीमी आंच पर पकने देंगे। हम उसको दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र करते हैं। हमने गैस पे पतीला रख दिया है। अब इसमें हम बनाएंगे, सबसे पहले हम चावल बनाएंगे। चावल बनाकर फिर मसाला बनाएंगे। पतीला हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे तेल। दो से तीन चम्मच तेल ऐड करेंगे। तीन पाव चावल है हमारे, के लिए 3 चम्मच तेल दिया है, डाला है मैंने। अब इसमें हम ऐड करेंगे तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, ये फूल हम बघारने में डालेंगे, जीरा, शाहजीरा,
इनको फ्राई होने पर इसमें दो चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट अलग से डाली हूँ मैं, फ्रेश अदरक लहसुन चाहिए। अब इसको अच्छी तरह हम भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापना दूर हो जाए। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे, हमारे तीन ग्लास चावल है तो इसमें तीन ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल ज़्यादा ना, एकदम खुले खुले चावल चाहिए हमको। अब इसमें हम ऐड करते हैं नमक, मैंने तीन चम्मच डाल दिया। आप भी स्वाद के हिसाब से अपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड करें। अब इसको अच्छी तरह जोश आने दें, जोश आने पर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। हमारे चावल पक चुके, इसका पानी अच्छी तरह सूख चुका है, 5 मिनट हो गए। अब इसको हम और 5 मिनट एकदम धीमी आंच पर रख देते हैं। अब इसको हम दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारा पतीला अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच तेल। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता, दालचीनी के टुकड़े और ये फूल। अब इसको हम अच्छी तरह तेल में फ्राई होने देते हैं। तेल अच्छी तरह हमारे मसाले फ्राई हो चुके। अब इसमें हम बड़े 4 चम्मच अदरक लहसुन, फ्रेश अदरक लहसुन बिरयानी में अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। इसको 5 मिनट फ्राई होने पर हम इसमें मसाले ऐड करें। हमारा अदरक लहसुन अच्छी तरह भुन चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच जीरा पाउडर, भुना जीरा बारीक पाउडर। तो इसको हम अच्छी तरह भूनते हैं।
दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, इसको हम अच्छी तरह थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम अच्छी तरह भून लेते हैं। दो से तीन मिनट हो चुके, अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह गलने तक इसी तरह फ्राई होने। अब इसमें ऐड करेंगे हम बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले की भी रेसिपी मैं आपको दूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम दही, सब मसालों को 5 मिनट तक हम इसी तरह अच्छी तरह भूनते रहेंगे। इसको हम ढाक दें। हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालें। ये फ्राई किया हुआ प्याज हम इसको इस प्लेट में थोड़े से निकाल लेते गार्निशिंग के लिए, और इसको हम हाथ से इसी तरह बारीक करके मसाले में ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला घट हो जाए और इस प्याज का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर हम इस तरह बारीक करके प्याज डालते हैं ना, मसाले में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी आता है। हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह हमारे गल चुके। और इसमें हम ऐड करेंगे हमने हाथ से बारीक कर दिया हुआ फ्राई किया हुआ प्याज, और इसको अच्छी तरह हम मसाले में डाल देते। दो से तीन मिनट तक इसी तरह हम पकने देंगे। उधर अब इसमें हम फिश ऐड करेंगे। फिश को इसी तरह ऊपर ऊपर रख दें। इस पे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे चावल। चावल को अच्छी तरह इसी तरह ऊपर ऊपर डाल दें। अब इस पे हम फ्राई किया हुआ प्याज डालें। अब इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन कलर डालेंगे। इस पे थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। अब इसको हम 5 मिनट तक ढक कर रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम वापस मिलेंगे।
5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी एकदम अच्छी तरह बन चुकी है। अब इसे हम करते हैं सर्व। तैयार हो चुकी है हमारी बासा फिश बिरयानी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।